बोलो उठाना है। तो दोस्तों ट्रॉली का खात हमारा जो खाली हो चुका है पूरा, देख सकते हैं आप। तो भाई ये आ चुका है हमारा ट्रैक्टर खेत पर, और खेत आप देख सकते हो 2 बीघा खेत है हमारा, और ट्रैक्टर आ चुका है खाद लेके। 2 चक्कर पहले खिला दिए इस खेत में। और दोस्तों ये खाद जो कि DAP का देसी खाद है, और जो कितने ट्रॉली खाद गिर चुके हैं आप इसमें अभी? तो भाई साहब दो ट्रॉली खाद ले आए और ले आएंगे अभी। तो बाकी दोस्तों 1 ट्रॉली और बच रहा है उसको लेकर आएंगे, 2 फैले डाल दिए और 3री है, और इसको गिरना हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। और बाकी दोस्तों DAP खाद तो मिलता नहीं है, इसलिए हम घर के खाद से ही काम चला रहे हैं, और वैसे सबसे अच्छा और सर्व गुण संपन्न खाद है दोस्तों। और ये खाद जल्दी मिट्टी को अच्छा कर देगा, जिससे कि कोई फसल होगी इसमें। खैर इसमें बाजरा करेंगे हम इस बार, और आपको बाजरे की बुवाई भी दिखाई जाएगी किस प्रकार हम बुवाई करते हैं। पहले तो इस खेत को जोता जाएगा, उसके बाद इस खेत में बुवाई करी जाएगी दोस्तों। तो भाई ट्रैक्टर को बिल्कुल स्लो चलाया जा रहा है, जिससे कि पीछे की लोग जो खाद गिर रहे हैं उनको खाद गिरने में आसानी हो, और मैन्युअली ये खाद गिरा जाता है दोस्तों। अगर हम डंपर को खिलाएंगे तो खाद एक जगह डलने लग जाएगा, इसलिए इसे मैन्युअली खाद गिरते हैं यहाँ पे। और ट्रैक्टर को बिल्कुल लो में चलाया जा रहा है। ट्रैक्टर हमारे साथ है, आयसर 333 ट्रैक्टर है। तो जैसे ही दोस्तों ये डंपर उठ रहा है, उसके साथ ट्रैक्टर भी उठने लग गया है थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि आगे इस ट्रैक्टर में आगे ज़्यादा वेट नहीं होता, इसलिए इसका डंपर भी और आगे से ट्रैक्टर भी उठ जाता है। ट्रैक्टर को घुमा घुमा के खेतों के चारों तरफ खाद को घेरा जा रहा है, देख सकते हैं आप। और आधा ट्रॉली खाद बच चुका है हमारे ट्रैक्टर के ट्रॉली के अंदर। तो दोस्तों ट्रॉली का खाद हमारा जो खाली हो चुका है पूरा, देख सकते हैं आप। और ये हमारा ट्रैक्टर